हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद जीशान, गरीब नवाज यूनानी क्लिनिक, हिजामा सेंटर, मवई काजियान, बहेड़ी, बरेली, उत्तर प्रदेश से। उम्मीद करता हूं आप सभी खैरियत से होंगे, हमारी वीडियो देख करके फायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करके फायदा पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा खमीरा मरवरीत के बारे में, एक यूनानी फार्मेसी की इतनी मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन जिसको हर मेडिकल स्टोर से खरीदा भी जा सकता है, एलोपैथी का मेडिकल स्टोर हो या यूनानी का। और मेरा मानना तो यह है कि इसको सभी पैथी के डॉक्टर्स यूज करते हैं। मोती खमीरे के नाम से भी इसको लोग मार्केट में इसी नाम से लेते हैं, जब पुराने बुखार हो जाते हैं, बुखारों के लिए, बुखारों को खत्म करने के लिए इस खमीरे का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं इस खमीरे के बारे में आपको बेहतरीन और तफसील से जानकारी देने वाला हूं कि क्या मिजाज है इसका, कौन से मिजाज के लोग इसका लेकर के फायदा उठाते हैं, कौन कौन से मर्ज में ये ज्यादा बेहतर काम करता है, कैसे बनाया जाता है, कौन सी दवाएं इसमें शामिल की जाती हैं, क्या क्या इसके फंक्शन और अफाल हैं, क्या डोज है, अगर इसका कोई साइड इफेक्ट है तो इसकी क्या नुकसान है, क्या साइड इफेक्ट है, ये आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन का बटन होता है उसको जरूर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक मिलती रहे, आप आने वाली हमारी वीडियो पहले देख करके पहले फायदा उठा लें। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं हम खमीरा मरवरीत के इसकी क्या वजह है इसका नाम रखने के लिए। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि खमीरा क्या होता है। खमीरा जो है दोस्तों एक माजून की ही किस्म होती है, आम जबान में जैसे लोग कह देते हैं कि चटनी वाली दवा, उस तरह से भी कह सकते हैं इसको, माजून की किस्म होती है। माजून एक किवामी मुरक्कब होता है जिसमें दवाओं का पाउडर और शक्कर या शहद के चाशनी, दोनों में से कोई एक या दोनों मिक्स करके दवाओं को तैयार करना, वो माजून होता है। अब उस टाइप की जितनी भी दवाएं बनती हैं वो उसकी किस्म कहलाती हैं। अब जैसे ये खमीरा है, ये भी उसकी किस्म है माजून की। इसका एक इसमें थोड़ा सा तब्दीली ये है कि इसको बहुत ज्यादा घोटा जाता है, इतना घोटा जाता है पकाते वक्त, इसको तैयारी के वक्त कि इसमें खमीर पैदा हो जाए, मतलब ऐसा लगने झाग आने लगे, और ऐसा लगे जैसे कोई खाना खराब हो जाता है तो उसमें झाग से आते हैं अजीब से, उस टाइप का आने लगता है, तो उसको खमीर कहते हैं, उसी से इसका नाम खमीरा है। मरवरीद जो है इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि इसमें मरवरीद या सदफ जो है, वो सदफ का जो मोती जो होता है जिसे खास मेन कंटेंट के तौर पर शामिल किया गया है, इसलिए इसका नाम खमीरा मरवरीद रखा गया। उम्मीद है आपको ये वजह समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे इसके फंक्शन की, क्योंकि सबसे ज्यादा अहम जो है वो फंक्शन है। मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर मेरी वीडियो पहले से भी मौजूद है, लेकिन बहुत शॉर्ट और बहुत छोटी सी वीडियो है, तफसील से बताने के लिए आज मैं इसको दोबारा बना रहा हूं। उस वीडियो में मेरी मिजाज के अकॉर्डिंग मैंने नहीं बताया कि कौन सा मिजाज होता है इस दवा का, आज मैं यहां मिजाज की भी बात करने वाला हूं, किस तरह के लोग, कौन से मिजाज के लोग इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब बताऊंगा। सबसे पहले मैं बता दूं इसका जो खास फंक्शन है वो है मुकव्वी आम, इसका मतलब होता है जनरल टॉनिक, इंग्लिश में कहें जनरल टॉनिक, मतलब जिन लोगों में जिस्मानी कमजोरी रहती है, उनको लगता है कि हम थके थके रहते हैं, जिसमें बहुत कमजोर रहता है, काम करने का मन नहीं करता, तो वो लोग इसका इस्तेमाल करें, उन लोगों की कमजोरी को दूर करता है। दूसरा इसका ये फंक्शन है कि ये मुकव्वी कल्ब है, मुकव्वी कल्ब का मतलब होता है कार्डियक टॉनिक, जिन लोगों का दिल बहुत ज्यादा कमजोर रहता है, जोफे कल्ब की शिकायत है, मतलब हार्ट जो है वो वीक हो गया है, उन लोगों के लिए भी ये खमीरा बहुत ज्यादा मुफीद है। इसी का एक फंक्शन ये भी है कि ये जोफे आसाब व दिमाग है, जोफे आसाब का मतलब होता है नर्वस सिस्टम का कमजोर हो जाना, या आम जबान में जो लोग कहते हैं कि नसें कमजोर हो जाना, तो नसों को मजबूत करने यानी कि नर्वस सिस्टम को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ही बेहतर है। साथ में जिन लोगों का दिमाग कमजोर है, ऐसा लगता है कि उनको दिमागी मतलब बहुत ज्यादा परेशानी होती है, सर दर्द रहता है कमजोरी की वजह से, या नींद नहीं आती है, बहुत कई सारी परेशानी हो सकती है, उन सभी परेशानियों में अगर दिमाग की कमजोरी की वजह से, तब हम इस खमीरे का इस्तेमाल करें, बहुत बेहतर है। और जो सबसे खास फायदा जो है इसका, जिसकी वजह से ये दवा बहुत मशहूर है, वो है पुराने बुखारों को जड़ से खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद है। जड़ से खत्म करने का मतलब जैसे टाइफाइड बुखार होते हैं, उसके लिए तो स्पेशली ये लोगों ने मुकर्रर कर दिया, जबकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइफाइड में ही काम करे, बहुत सारी बीमारियों में ये काम करता है, लेकिन ऐसा होता है कि ये जो है इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, जिसमें वो पूरे जिस्म को ताकत देगा, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, जब इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी तो पुराने बुखार होंगे, पुरानी कोई भी बीमारी होगी, कमजोरी होगी, वो सारी दूर होने लगेगी, इसका ये लॉजिक होता है। तो ठीक है, पुराने बुखारों में खास तौर से टाइफाइड है, मोतीजरा, चेचक वगैरह, इस तरह के बुखार जो होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा मतलब मुफीद है ये, तो ऐसे बुखारों में हम इसको दें और जबरदस्त फायदा है। अब अगर
बात करें कि इसका मिजाज क्या होता है, तो देखिए जो मरवारीद है वो सर्द खुश्क मिजाज की दवा होती है, इसके अंदर आबरेशम भी होता है वो गर्म मिजाज की दवा होती है, और भी बहुत सारी दवाएं, बहुत बड़ा नुस्खा होता है इसका, कई सारी दवाएं होती हैं, जैसे संदल है वो भी सर्द ठंडी दवा होती है। तो जो इसका टोटल जो मिजाज लेंगे, किसी किताब में नहीं देते हैं लेकिन हम जब तजुर्बे में लाते हैं इस चीज को, तो जो टोटल जो हम मिजाज देंगे अपने हिसाब से आजमाने के बाद में, तो इसका मिजाज ठंडा है, यानी कि सर्द मिजाज की दवा है। मतलब गर्मी की वजह से अगर किसी को कोई परेशानी हो रही है तब ये दवा बहुत जल्दी और तेजी से काम करेगी। ऐसा नहीं है कि इसमें गर्म दवाएं हैं तो ये गर्म नहीं है, गर्म भी है लेकिन जो ज्यादातर मिजाज है वो ठंडा है इसका। और अगर जिन लोगों को गर्म मिजाज की वजह से परेशानी है या गर्मी है तो वो लोग भी इस्तेमाल करें, उनको भी मुफीद करेगा, फायदा करेगा। और जिन लोगों को ठंड है, सर्दी की वजह से कोई परेशानी है, तो ऐसा नहीं है कि उनको नुकसान दे देगा, क्योंकि इसके अंदर गर्म दवाएं भी हैं तो इसका मिजाज जो है वो बिल्कुल भी सर्द नहीं है और ना ही गर्म है। मतलब है तो सर्द की तरफ लेकिन गर्म भी नहीं है और ना ही गर्म से कम है, ऐसे कह सकते हैं। तो इसलिए सर्द और गर्म दोनों मिजाज वाले लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों के लिए ही उतना ही बेहतर है जितना कि जैसे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो इसको बनाने के अगर तरीके की बात करें तो बहुत सारे तरीके हैं इसको बनाने के, ये भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मैं अपनी दवाएं बना करके दिखाने लगा हूँ और वो जरूर दिखाऊंगा। अब अगर बात करें हम डोज की, तो देखिए डोज की बात यह है कि 3 से 4 ग्राम सुबह और शाम दोनों वक्त इसको चाटा जाता है, बेहतर है इसको चाटें, वरना चम्मच से भी लेकर के दूध ऊपर से पी सकते हैं। जिस्म की कमजोरी को दूर कर देगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ा करके पुराने बुखारों को खत्म कर देगा, कार्डियक जो परेशानी होती है जिसकी वजह से घबराहट वगैरह बेचैनी वगैरह हो जाती है, दिल के कमजोर होने की वजह से कोई खबर सुनी और घबरा गए तो उस घबराहट को भी ये दूर करता है। बहुत सारे फायदे हैं इसके और डोज में बता ही चुका हूँ। जिन लोगों को शुगर डायबिटीज की शिकायत है वो डायरेक्ट इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें शक्कर मिलाई जाती है बनाते वक्त, तो हो सकता है आपको नुकसान कर दे, तो अपने मालिक या डॉक्टर से मशवरा कर लें। और अगर आपको दवा की जरूरत है तो आप हमसे कॉन्टेक्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप हमारे जरिए किसी बीमारी का इलाज कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा है हमारे यहाँ, आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके घर बैठे इलाज करा सकते हैं। वहाँ आपकी थोड़ी सी फीस लगेगी लेकिन आपका इलाज इंशाल्लाह हो जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको कोई सवाल है आपका तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना भी ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।